लाहौर में नून लीग की रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत की बेपनाह खुशियां मनाने से अंदाजा हुआ कि वो हमारी छुरी तले थे। बकरा ईद करीब है, हम भी ईद की खुशियों के साथ हुकूमत की कुर्बानी करेंगे। पीडीएम जल्द दोबारा मुनज़्ज़म होकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। ये तो जो है वो खुशी मना रहे हैं, जिस तरह से ये किसी छुरी के नीचे थे, तो इससे हमें अंदाजा हुआ कि इनका सही इलाज हो रहा था और लॉन्ग मार्च जो कॉल ऑफ किया गया है वो गलत तौर पे हुआ है, उसे हमें जो है वो जारी रखना चाहिए था। गो इस्तीफ़ों के ऊपर अगर इख्तलाफ़ था भी तो उस इख्तलाफ़ को जो है वो मौखर किया जाता या उसके ऊपर जो है वो बैठ के को फैसला किया जाता, तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद जो कुर्बानी वाली ईद आने वाली है इंशाअल्लाह उससे पहले पहले जो है इनकी कुर्बानी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पीडीएम जो है वो दोबारा मुनज़्ज़म हो के लॉन्ग मार्च का ऐलान भी करेगी और इंशाअल्लाह ताला इस जो ये टोला इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है इसको हर कीमत पे जो है इससे इस मुल्क और कौम की जो है वो जान छुड़ाएँगे, जिन्होंने अदलिया के अदारे को तबाह कर दिया है, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये हमलावर हुए हैं, एक एक अदारे को जो है वो इन्होंने तबाह किया है, इस मुल्क की सियासत को तबाह किया है, इस मुल्क की अखलाकियात को तबाह किया है, तो इसलिए इस मुल्क और कौम की बेहतरी इसी में है कि इस टोले का जो है जितनी जल्द खात्मा जो है वो किया जाए और इस मुल्क और कौम को आज़ादी दिलाई जाए।